अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले कायद एप्लीकेशन पे EASTE ट्रेनिंग का मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दिया था, जिसमें हमने ट्रेनिंग्स की थी और इसमें मुख्तलिफ हमने एक्टिविटीज़ और क्यूजेस को सॉल्व किया था और उसके बाद हमारे सर्टिफिकेट जनरेट हुए थे। रिस्पेक्टेड टीचर्स, यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दूँ कि हमारे दो सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन में फ़र्क क्या है? बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ये होता है कि आपने ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन की है, यानी आपने ट्रेनिंग ली है, और सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन ये होता है कि आपने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है, उसमें तमाम एक्टिविटीज़ क्विजेस को सॉल्व करने के बाद आपने वो ट्रेनिंग पास आउट कर लिया है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन मिल गया है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, अब हमारी जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होंगी वो कायद एप्लीकेशन पे होंगी, तो कायद एप्लीकेशन पे ITSP का मॉड्यूल 1 आ चुका है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें ITSP का सर्टिफिकेट और इसको मॉड्यूल 1 को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है, तो उसमें जो तरीकाकार बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपने याद रखना है, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा, यानी कि आपने ट्रेनिंग में शमूलियत कर ली है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन आपको नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जस्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं, ITSP को आपने कैसे करना है, इसका शॉर्ट फार्मूला बता देता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको यह भी बताएंगे कि आप इसको कैसे मुकम्मल करेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कैसे मिलेगा। तो स्टार्ट ट्रेनिंग पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 1% आया हुआ है, तो आपका अगर 0% है तो वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 1 दिया गया है, इसको आप पढ़ लें। उसके बाद रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो है जिसके नीचे डन लिखा हुआ है, ये मैंने डन किया है, तो इसके नीचे मार्क एज डन लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डन हो जाएगा, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक वीडियो है जिस पर डन लिखा हुआ है और ये ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डन हो चुका है, तो आप इसको ऊपर जब करते हैं तो नीचे आप देखें जवाब के लिए यहाँ पर क्लिक करें मार्क एज डन, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये डन होकर ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पे भी मार्क एज डन लिखा हो आपने उस पर क्लिक करना है, वो ग्रीन होता जाएगा। इस मॉड्यूल के टोटल 11 यूनिट्स हैं, आपने तमाम यूनिट्स में मार्क एज डन पे क्लिक करना है, और जैसे ये ग्रीन हो जाए और आपके तमाम यूनिट्स मुकम्मल हो जाएं, आपकी परसेंटेज 100% आ जाए, तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन डाउनलोड हो जाएगा। रिस्पेक्टेड टीचर्स, 11 यूनिट कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल क्विज आएगा, 10 नंबर का होगा, उसमें जस्ट उसने एक ही सवाल पूछना है, इसमें ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने ये ट्रेनिंग मुकम्मल कर लिया है, तो आपने जी हाँ पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है, तो उसके बाद आपकी ये 100% कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन डाउनलोड हो जाएगा। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अगर आपके पास नेट का मसला हो या आप ये काम खुद से नहीं कर सकते तो ये काम आप हमसे भी करवा सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही कम रेट में तमाम काम मुकम्मल करके देंगे और आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी डाउनलोड करके देंगे।